हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल यूनानी अचीवर्स AIA PGET। हमने अपनी इससे प्रीवियस वाली वीडियो में इंग्वाइनल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, जिसको हिजलबैक्स ट्रायंगल भी बोलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंग्वाइनल कैनाल, जो कि हमारे AIA PGET एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंग्वाइनल कैनाल एक छोटा सा टॉपिक है और जो भी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो एक शॉर्ट वीडियो में इसके सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। तो आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि इंग्वाइनल कैनाल क्या है, इसकी जो पोजिशन होती है वो कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है, इसके कंटेंट क्या क्या है, इसकी जो बाउंड्री है वो किससे बनती है और इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं। तो इंग्वाइनल कैनाल सबसे पहले क्या है ये हम जान लें। इंग्वाइनल कैनाल जो है एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है जो कि प्रेजेंट है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। ये जस्ट अबव होती है इंग्वाइनल लिगामेंट के। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है, तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है ये बता चुके हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप हमारी इससे पहले जो हमने वीडियो डाली है वो देखिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रही हूँ। तो जो इंग्वाइनल कैनाल है वो 4 सेंटीमीटर की एक कैनाल है। इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और ये प्रेजेंट होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। ये जिसका लोकेशन है वो होता है, ये कैसे, इसकी सिचुएशन कहाँ पे है। तो ये सिचुएट होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, जो कि आती है डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स और मीडियली। मान लीजिए ये है हमारा बॉडी का मीडियन प्लेन। तो ये देखिए, ये फॉरवर्ड्स और डाउनवर्ड्स और मीडियली आ रही है, ठीक है। ये देखिए, डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स और मीडियली। ये डीप टू इंग्वाइनल रिंग होती है, डीप टू सुपरफिशियल रिंग। अब हमें जानना है कि डीप रिंग क्या है और सुपरफिशियल रिंग क्या है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि इंग्वाइनल कैनाल की जो बाउंड्रीज है, जो वॉल है, वो किससे बनी हुई है। तो इसमें इंग्वाइनल कैनाल में एक फ्लोर है, एक एंटीरियर वॉल है, एक रूफ है और एक पोस्टीरियर वॉल है। तो इसको याद रखने का एक तरीका होता है, याद रखने का एक नेमोनिक है, जिससे बहुत इजीली हमें इसकी जो रूफ, एंटीरियर वॉल, फ्लोर और पोस्टीरियर वॉल याद हो जाएंगी। इसका नेमोनिक है माल्ट। माल्ट, ठीक है, तो हम इसको याद रख लेंगे माल्ट। और एक सीक्वेंस ही याद रखेंगे कि पहले रूफ, फिर एंटीरियर वॉल, फिर फ्लोर, फिर पोस्टीरियर वॉल। तो जो रूफ है, हमें याद रखना है रूफ। रूफ, ठीक है, फिर याद रख लीजिए ए से एंटीरियर वॉल हो गई, फिर फ्लोर, फिर एक ही चीज हमारी बच रही है पोस्टीरियर वॉल। तो ये नेमोनिक हो गया माल्ट। तो एम से, और वो भी माल्ट हमें याद रखना है कि सब में टू टू है, माल्ट टू। टू एम, टू ए, टू एल और टू टी, माल्ट। तो जो हमारा रूफ है वो बनता है टू एम से। टू एम मीन्स दो मसल से, जो कि है इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, जो कि हमारी एब्डोमिन की मसल है। तो ये हो गया इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। तो फ्लोर हमारा बन गया। अब है एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल बनती है टू ए से। अब ए से क्या होता है, ए से होता है अपोन्यूरोसिस। अपोन्यूरोसिस क्या होता है, अब अगर ये दिमाग में आ रहा है कि अपोन्यूरोसिस क्या होता है, तो अपोन्यूरोसिस एक थिन शीट होती है, एक थिन शीट
जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो मसल को बोन से कनेक्ट करती है, और ये सिमिलर होती है टेंडन की तरह। टेंडन का भी फंक्शन यही होता है, तो ये टेंडन से सिमिलर होती है। टू ए कौन कौन से हैं? टू एपोन्यूरिसिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक और एंटीरियर ऑब्लिक मसल, सॉरी इंटरनल ऑब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस, ठीक है। अब है फ्लोर किससे बनता है? 2L से। 2L यानी दो लिगामेंट, कौन कौन से लिगामेंट? इंग्वाइनल लिगामेंट और लेक्यूनार लिगामेंट। फिर है एक और बचा पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल किससे बनी है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस से और कंजॉइंट टेंडन से। इसमें दो टी आया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और कंजॉइंट टेंडन। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा। माल्ट से याद रखिए, माल्ट। एम से बन रहा है रूफ, ए से एंटीरियर वॉल, एल से फ्लोर और टी से पोस्टीरियर वॉल। तो देखिए जो हमारे पास इमेज है इसमें फ्लोर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें दो रिंग प्रेजेंट होती है, एक होती है डीप इंग्वाइनल रिंग और एक होती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये जो डीप रिंग है, ये वाली जो हमारी है, ये डीप रिंग है, और ये जो है सुपरफिशियल रिंग है। तो इन दोनों की पोजीशन क्या होती है? जो डीप रिंग होती है, इंग्वाइनल कैनाल एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती है? इंग्वाइनल कैनाल जो एक्सटेंड करती है कुछ ऐसे, डीप रिंग से सुपरफिशियल रिंग, ये हो गई इंग्वाइनल कैनाल। तो ये तो हो गई डीप रिंग, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो ओवल होता है, ओवल शेप की है डीप रिंग। और ये लोकेटेड कहाँ होती है? ये लोकेटेड होती है 1.25 सेंटीमीटर अबव मिड इंग्वाइनल पॉइंट। जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है उसे 1.25 सेंटीमीटर अबव होती है। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। फिर है सुपरफिशियल रिंग। सुपरफिशियल रिंग जो होती है, सुपरफिशियल रिंग जो होती है वो ट्रायंगल शेप की होती है, ट्रायंगुलर शेप होता है इसका, ठीक, ट्रायंगुलर शेप की होती है। और ये जो ओवल रिंग हमारी है, डीप रिंग है, वो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में प्रेजेंट होती है। और जो सुपरफिशियल रिंग है, सुपरफिशियल रिंग हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस में होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है 1 सेंटीमीटर अबव टू प्यूबिक ट्यूबरकिल, मतलब मीडियल, थोड़ा सा मीडियल होती है प्यूबिक ट्यूबरकिल के, ठीक है। ये 1.2 सेंटीमीटर अबव और मीडियल होती है प्यूबिक ट्यूबरकिल के। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, दोनों रिंग जो थी। उसकी बात है कि इसके कंटेंट क्या क्या हैं, इससे क्या क्या चीज़ें पास करती हैं। तो इससे पास करती है हमारी, एक होते हैं मेल में होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, और फीमेल में राउंड लिगामेंट। और उसके अलावा एक नर्व पास करती है जिसका नाम है इलियो इंग्वाइनल नर्व। इलियो इंग्वाइनल नर्व पास करती है और जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। तो इसके ये कंटेंट होते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल एंड राउंड लिगामेंट इन फीमेल, इलियो इंग्वाइनल नर्व एंड जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। उसके बाद है कि इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या है। इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो एक ये चीज़ है कि मेल में क्या होता है कि टेस्टिस जो होती है वो हमें बताया कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में टेस्टिस जो है एक एब्डोमिनल ऑर्गेन होता है, फिर बाद में 8th मंथ पे डिसेंड हो जाती है। तो ये डिसेंड होती है, डिसेंड होके कहाँ से आती है? पहले डीप रिंग में, फिर उसके बाद इस इंग्वाइनल कैनाल से ट्रैवल करते हुए ये सुपरफिशियल रिंग से होके आती है और फिर टेस्टिस में आ जाती है, सॉरी स्क्रॉटम में आ जाती है। और क्या होता है, इसकी एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि हमने पढ़ रखा है, जो हमें पता है, इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया मैंने इसे बताया था, पहले बताया था अपनी पहले वाली वीडियो में, कि जब डायरेक्ट हर्निया होता है तो डायरेक्ट हर्निया जो होता है वो इंग्वाइनल ट्रायंगल से पास करता है। अब अगर इनडायरेक्ट हर्निया होता है, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया
तब कहते हैं हम जब डीप रिंग और सुपरफिशियल रिंग से होते हुए जो कंटेंट होते हैं हर्नियल कंटेंट वो आते हैं किसमें, स्क्रॉटम में, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, तो इसी के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिससे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इसमें कवर किए हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।